ली है और जो शुगर है वो 1 कप से थोड़ी ज्यादा है, 1/4 कप। वैसे शुगर की क्वांटिटी इतनी इनफ है, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ी सी शुगर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। पैन में डाल लेते हैं हमारी चीनी और इसमें डाल लेते हैं पानी। पानी जो है वो इसमें जाएगा 3/4 कप। हमें इसकी एक तार की चाशनी बनानी है। फ्लेम को कर देते हैं फुल और इसे स्टेयर कर लेते हैं। इतने हमारी चाशनी बन रही है, हम हमारी मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। पैन में डाल लेते हैं हमारी मूंगफली और इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ऑन मीडियम फ्लेम। आपको मूंगफली को कॉन्टिन्यूस स्टेयर करते रहना है, नहीं तो आपकी मूंगफली कहीं से ज्यादा सिक जाएगी और कहीं से कम। मुझे इसे कॉन्टिन्यूस स्टेयर करते हुए 3-4 मिनट्स हो गए हैं। हमारी मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। आपको पता ऐसे लगेगा कि जब आप मूंगफली को इस तरह से करेंगे तो इसका पील जो है वो इजिली उतर जाएगा, तो मतलब मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। हम एक बार चाशनी को चेक कर लेते हैं। लास्ट ड्रॉप से पता चल जाता है कि हमारी चाशनी तैयार हुई या नहीं हुई। अभी आप देख सकते हैं ये एक तार नहीं बन रहा है, तो इसे हमें थोड़ी सी देर और पकाना होगा। आप देख सकते हैं मैंने मूंगफली को बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब हमें इसका सारा पील उतारना है, तो उसके लिए हम इस तरह से एक नैपकिन ले लेंगे और उस पर थोड़ी सी मूंगफली हम इस तरह से डाल लेंगे और इस तरह इसे फोल्ड कर तरह से रब करेंगे तो जो हमारा मूंगफली का पील है वो सारा इजली उतर जाएगा। इस तरह से हम सारी मूंगफली का पील उतार लेंगे। देख सकते हैं मैंने सारा मूंगफली का पील उतार लिया है। अगर थोड़ा बहुत मूंगफली का पील रह भी जाता है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसे जार में ट्रांसफर कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। मैंने इसका फाइन पाउडर नहीं बनाया है, मैंने इसे थोड़ा सा दरदरा रखा है। और अब चेक कर लेते हैं कि हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हुई या नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं अपने थंब और फिंगर के बीच में, अगर इसमें एक तार बन रहा है तो यानी कि आपकी चाशनी बनकर तैयार है। हमारी चाशनी एक तार की तैयार हो गई है। अब हम इसमें हमारा मूंगफली का पाउडर डाल लेते हैं जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। इसे स्टेयर कर लेते हैं। आपको ये काम जल्दी जल्दी करना है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे। अब जो मोल्ड मैंने ग्रीस करके ऑलरेडी रखा हुआ है उसमें हम इसे ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें हम हमारी बर्फी को इस तरह से ट्रांसफर कर लेते हैं। आपके पास मोल्ड ना हो तो आप ये सब प्लेट में भी कर सकते हैं और इसे स्प्रेड कर लेते हैं इवनली। जितनी मोटी लेयर आपको बर्फी की रखनी है आप उतनी मोटी लेयर इसे बना लीजिएगा। गार्निश कर लेते हैं इसे थोड़े से पिस्ता के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो कुछ और भी यूज कर सकते हैं, बादाम, काजू। और इसे हम साथ ही थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे ताकि जो हमारा पिस्ता है वो हमारी बर्फी में सेट हो जाए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स जो हमारा बर्फी का पीस है वो कितना इजी कटा है और कितना अच्छे से कटा है, वो आप चारों तरफ से देखिए और ऊपर से भी देखिए फ्रेंड्स, तो ये कितना अच्छा बना है। हमारी मूंगफली की बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।